नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 7 बजने वाले हैं और जी हिंदुस्तान पर वक्त हो गया है मेरा राज्य मेरा देश का। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। शुरू करेंगे मेरा राज्य मेरा देश की उन 4 बड़ी खबरों के साथ जो आज दिन भर सुर्खियों में रही हैं और जिन्हें जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज मेरा राज्य मेरा देश की पहली खबर में क्या है वो सबसे पहले जानिए। आज की सबसे बड़ी खबर असदुद्दीन ओवैसी के बेहद शर्मनाक बयान से जुड़ी हुई है। ओवैसी ने हिजाब का समर्थन करते हुए कुछ ऐसा कह दिया जो विवाद का सबब बन गया। आखिर क्यों ओवैसी ने महिलाओं को बिकनी पहनने की सलाह दे डाली, ये हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले जानिए मेरा राज्य मेरा देश की दूसरी बड़ी खबर में आपके लिए क्या है। ओवैसी के सिपे सलार की बदजुबानी से जुड़ी हुई ये दूसरी बड़ी खबर है। शौकत अली उत्तर प्रदेश AIMIM के अध्यक्ष हैं। इन्होंने जिन अल्फाजों में हिंदू महिलाओं का अपमान कर दिया है वो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। शौकत अली साधु संतों से भी आर पार की जंग के लिए तैयार हैं। हम उनकी एक एक बात आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा राज्य मेरा देश की तीसरी बड़ी खबर में आपके लिए क्या है ये भी आप जानिए। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है जहां आतंकियों ने एक बार फिर से कश्मीरी पंडित को मौत के घाट उतार दिया है। इस वारदात के बाद जम्मू में कश्मीरी पंडितों का गुस्सा सड़क पर देखने को मिला। ये पूरी खबर क्या है आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए मेरा राज्य मेरा देश की चौथी बड़ी खबर में आज किसके बारे में बात होगी। आज बात बिहार के बेगूसराय की होगी जहां शराब तस्करी का नायाब तरीका सामने आया। सूबे में शराबबंदी के चलते शराब तस्कर नए नए रास्ते ढूंढते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। कब्रिस्तान में शराब से भरी बोतलें दफन मिली, ये पूरा माजरा क्या है मेरा राज्य मेरा देश में आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मेरा राज्य मेरा देश की सबसे अहम खबर के साथ। बड़े मियां सो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। हम बात कर रहे हैं ओवैसी की, जिनकी भड़काऊ तकरीरें तो आपने कई बार देखी और सुनी होंगी, लेकिन उनके छोटे से पैसलार भी कुछ कम नहीं है। यूपी AIMIM के अध्यक्ष ने हिंदू महिलाओं के खिलाफ जो जहर उगला है वो काबिले माफी कतई नहीं है। जरा सुनिए शौकत अली कितने बदतमीज हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। हिंदू महिलाओं का ऐसा अपमान। तुम एक शादी करते हो, 3 रखे रखते हो, किसी को नहीं बताते हो, ना उसको इज्जत देते हो। बेशर्मी भरा बयान तो सुन लिया आपने, अब जरा इन जनाब को भी जान लीजिए। ये शौकत अली है, ओवैसी की पार्टी की नुमाइंदगी यूपी में करती है। इस्लाम में 3-4 शादियों को जायज ठहरा रहे, इतना भर रहता तो फिर भी ठीक था। शौकत अली तो हिंदू महिलाओं को ऐसी गाली दे रहे हैं जो आप उन्हीं के मुंह से सुने तो बेहतर होगा। कभी ये लोग कहते हैं तुम्हारे बच्चे ज्यादा हैं, कभी ये लोग कहते हैं 2-2, 3-3 शादियां। यकीनन हम 2 शादी करते हैं तो दोनों बीवी को समाज में इज्जत देते हैं। तुम एक शादी करते हो, 3 रखे रखते हो, किसी को नहीं बताते हो, ना उसको इज्जत देते हो। लेकिन हम अगर 2 करते हैं तो इज्जत से करते हैं, बीवी बनाते हैं, उन बच्चों का नाम भी राशन कार्ड में होता है, आधार कार्ड होता है। और तुम्हारे नाजायज करदा बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं, यही जो हुआ है इसौली विधानसभा में नारे लगा करके मार करते हैं। हिंदू महिलाओं को गाली देने के बाद शौकत अली साधु संतों को धमकाने लगे। जहर की ऐसी उल्टी जिससे देश में धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं। ओवैसी के इस सिपह सालार ने तो बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी। एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। साधु साहब, अकेले में अगर शकल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना। और तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है हमको मालूम है, तुम किसके छोकर हो, तुम्हारे पीछे केंद्र सरकार खड़ी है। ओवैसी की पार्टी के इस नेता ने जो बदजुबानी की, जिस तरह की धमकियां दी, उससे सियासी उबाल आ गया। हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया, साधु संत भी गुस्से में। शौकत अली ओवैसी के शागिर्द, वही ओवैसी
जो रह रहकर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, लेकिन शौकत अली तो बेशर्मी की सारी हदें लांघ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए मेरा राज्य मेरा देश में इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दूं, ये बड़ी खबर संभल से मिल रही है, जहां पर जी हिंदुस्तान की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। AIMIM नेता शौकत अली पर FIR दर्ज हो चुकी है। पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने भरोसा दिया था, जी हिंदुस्तान से जब बातचीत की थी तो उनकी ओर से भरोसा दिया गया था और उनकी ओर से कहा गया था कि सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। शौकत ने महिलाओं का अपमान किया है, हिंदू महिलाओं पर शर्मनाक टिप्पणी उन्होंने की है। मोहसिन रजा से जी हिंदुस्तान की एक्सक्लूसिव बातचीत भी आपको सुनवाते हैं। हाँ, जिस जनपद में उन्होंने ये भाषा को बोला है, मैं टीवी चैनल से मांगूंगा और वहाँ के SP से बात करके कहूंगा कि इस पे जांच करके अगर उन्होंने ऐसी बात जो भी सामने तथ्य आए हैं उस पर कार्रवाई की जाए और कानूनी कार्रवाई, क्योंकि इसकी छूट नहीं दी जाएगी किसी भी हाल में कि वो हमारे हिंदू समाज को या सनातनी संस्कृति पर प्रहार करें। बिल्कुल मोहसिन जी, संबल में बयान दिया गया था और देखिए, जी हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा है क्योंकि यहाँ पर बात देश की है, हिंदुस्तान की है, सनातन। तो वैसे की पार्टी के नेता ने जिस तरह से भड़काऊ बातें की हैं, उससे साधु संत भी बहुत नाराज हैं और हिंदू संगठन भी इस वक्त गुस्से में है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने बेहद सख्त अंदाज में शौकत अली को औकात बता दी है। तो वहीं यूपी सरकार में मंत्री रह चुके मोहसिन रजा ने कार्रवाई की बात भी कही है, दिखाते हैं आपको। शौकत की बेशर्मी बढ़ी सियासी गर्मी, महंत ने छोटे ओवैसी को बताई औकात, सनातन का अपमान आखिर क्यों भाईजान। तुम एक शादी करते हो, तीन रखे रखते हो, किसी को नहीं बताते हो, ना उसको इज्जत देते हो, लेकिन हम अगर दो करते हैं तो इज्जत से करते हैं, बीवी बनाते हैं, उन बच्चों का नाम भी राशन कार्ड में होता है, आधार कार्ड होता है और तुम्हारे नाजायज करदा बच्चे क्या करते हैं। शौकत अली की बेशर्मी से सियासी उबाल चरम पर है। हिंदू महिलाओं पर शर्मनाक बयान से संत समाज गुस्से में है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने बेहद सख्त अंदाज में शौकत अली को चेतावनी दी है और कहा है कि जिस दिन संत समाज से सामना होगा उस दिन तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं बचा पाएंगे। यह देश संविधान से चलता है और संवैधानिक तरीके से तुम अगर अपनी बात को रखोगे तो तुम्हारी बात मानी जाएगी, अगर तुम तलवार की नोक पर बात करोगे तो उस दिन साधु संत चिमटा बजा देंगे, जब चिमटा बजा देंगे तो हिंदू जनमानस खड़क उठा लेगा, जब हिंदू जनमानस खड़क उठा लेगा तो तुम हिंदुस्तान में नहीं रह पाओगे। शौकत अली के बयान से अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी नाराज है। स्वामी चक्रपाणी ने PFI की तर्ज पर ओवैसी की पार्टी को बैन करने की मांग की। जैसा मूल वैसा फूल, जैसे असुद्दीन ओवैसी है वैसे उनके पार्टी के लोग हैं। ये असुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरी तरह देश में राजनीतिक गंध फैलाने का काम कर रही है, राजनीतिक गटर ये है, इसको तत्काल प्रतिबंधित करिए। भारत के निर्वाचन आयोग इसको संज्ञान ले, इस पार्टी को तत्काल प्रतिबंधित करे, वरना PFI का दूसरा रूप है असुद्दीन ओवैसी की पार्टी। हिंदू धर्मगुरु स्वामी दीपांकर ने भी शौकत के बयान पर नाराजगी जताई, उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग सरकार से की। ये सच में इतना जहर जो मन में रख कर बैठे हैं, क्या हिंदुओं को आप गुलाम बनाना चाहते हैं? क्या हिंदुओं के बारे में और हिंदुओं की भार्या के बारे में जो आपने शब्द इस्तेमाल किए, क्या ये जायज हैं? क्या ये किसी सभ्य व्यक्ति या सभ्य समाज से जुड़े व्यक्ति के हो सकते हैं? और अगर नहीं तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति का समाज में रहना किसी जहर और नफरत से कम नहीं है। इस पर तुरंत कोई कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक तरफ हम लोग भाईचारे और गंगा यमुनी तहजीब की बात करते हैं, अब मुझे लगता है कि गंगा जाने कब की बह गई और यमुना जाने कब की सूख चुकी है, तो ये नाटक कम से कम बंद होना चाहिए। हिंदू महिलाओं के खिलाफ अभद्र बयान देकर शौकत ने नई जंग छेड़ दी। मुस्लिमों की चार शादियों को जायज ठहराने के लिए आखिर हिंदू का अपमान क्यों? सियासी गलियारों में इस सवाल को लेकर बवाल मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और हिजाब को अल्लाह का हुक्म बता चुके भड़काऊ भाईजान भी बेशर्मी पर उतर आए हैं। ओवैसी इतने ज्यादा आग बबूला है कि अब वो महिलाओं को बिकनी पहनने की सलाह देते हुए दिख रहे हैं। इन सब के बीच में सवाल ये उठता है कि जो मामला सर्वोच्च अदालत में है उस पर भड़काऊ भाईजान को बेशर्म टिप्पणी करने में आखिर मजा क्यों आता है। बिकनी पर उतर आए भाईजान, ओवैसी का एक और जहरीला बयान, महिलाओं का अपमान क्यों भाईजान। हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान हिजाब विवाद में हदें लांघते जा रहे हैं। हिजाब का हक मांगते मांगते ओवैसी अश्लीलता पर उतर आए हैं। एक तरफ भाईजान हिजाब को मुस्लिम लड़कियों की मर्यादा बताते हैं तो वहीं दूसरी तरफ हिजाब नहीं पहनने वाली महिलाओं की सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं। हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना, बिकनी पहनना, वो भी पहनो आप, मेरे को इख्तियार, आपको इख्तियार है, आपका काम है, मैं मेरा काम करता हूँ। हिजाब पर ज्ञान बांटते बांटते भाईजान इस कदर बौखला गए हैं कि बिकनी बिकनी की रट लगाने लगे। बिकनी शब्द बोलते हुए ओवैसी का अंदाज ऐसा था जैसे हिंदुस्तान में बिकनी पहनना जुर्म हो। आपका काम है, मैं मेरा काम करता हूँ, आखिर क्यों चाहते हैं आप कि मेरी बेटी हिजाब निकाल दे, आखिर क्यों चाहते हैं आप कि मैं दाढ़ी ना रखूं, आखिर क्यों चाहते हैं आप कि मेरे पर इस्लाम और मुसलमानों की तहजीब बाकी ना रहे। ओवैसी हिजाब को कुरान का हिस्सा बताते हैं, अल्लाह का आदेश बताते हैं, लेकिन भाईजान पसंद नापसंद अपने घर में चला करती है, स्कूल कॉलेजों या किसी संस्थान में नहीं। हिजाब पहनते इसलिए है क्योंकि कुरान में अल्लाह ने हुक्म फरमाया और हिजाब भारत के संविधान में भारत के आईन के मुताबिक राइट टू चॉइस है। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष ने सिर्फ और सिर्फ गालियां ही सीखी हैं। ऐसा हम उनके नए वीडियो को सुनकर कह सकते हैं। सियासी अदावत में अंधे हो चुके गोपाल इटालिया ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत भला बुरा कह दिया है। गृहमंत्री शाह के खिलाफ भी एक बार फिर से जहर उगला है। इस वीडियो में वो बेशर्मी की इंतहा पार करते हुए दिख रहे हैं। आपको भी वो वीडियो दिखाते हैं। इटालिया की गालियां पॉलिटिक्स, आपके इटालिया इतने सवालिया, गुजरात की लड़ाई गालियों पर आई। भाजपा मोदी नी पार्टी छे, लुक सामाजिक तत्व अमित शाह नी पार्टी छे, बाबा साधुओं पासे जेने आपड़े आपड़ी समस्याओं नो सॉल्यूशन माटे जाइए छे अने कहिए तो तुमने जाम पड़े छे। इन जनाब को तो पहचान ही चुके होंगे आप। लगता है गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया गालियों का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। अब उनका एक और नया वीडियो सामने आया है जिसमें सारी पुरानी बेशर्मी बौनी पड़ चुकी है। इस बार इटालिया ने फिर से पीएम मोदी को भला बुरा तो कहा ही, गृहमंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को भी गालियां दी। भाजपा मोदी नी पार्टी छे, लुक सामाजिक तत्व अमित शाह नी पार्टी छे, और जीतू वाघाणी नी पार्टी छे, विजय रूपाणी नी पार्टी छे, आमनी पासे थी हवे कोई अपेक्षा के उम्मीद वधी नथी। राष्ट्रीय महिला आयोग की सख्ती के बावजूद इटालिया की बदजुबानी जारी है। गुरुवार को हिदायत देकर दिल्ली पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन फिर वो मिशन बेहूदगी में जुट गए। इटालिया का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने साधु संतों को ठग और झूठा बताया। बाबा साधुओं पासे जेने आपड़े आपड़ी समस्याओं नो सॉल्यूशन माटे जाइए छे अने कहिए तो तमने जाम पड़े छे કે આ લોકો ખોટા છે, આમનું કોઈ કપકા મતલબ જ નથી, આમનું આ હોય કે ના હોય શું ફરક પડવાનો છે, હોય આ લોકો એટલી બધી કથાઓ દેશ વિદેશ દુનિયામાં કરના કે કોણ સુધરી ગયો। गोपाल इटालिया का बेशर्मी भरा ये पांचवा बयान है। इससे पहले भी वो पीएम मोदी को भला बुरा कह चुके हैं, मंदिरों को महिलाओं के शोषण का अड्डा बता चुके हैं और अब फिर गाली गलौज पर उतर आए हैं। गुरुवार को राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्ती दिखाई, लेकिन लगता है कि आपके इटालिया इतनी जल्दी सुधरने वाले नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इधर हिमाचल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लिहाजा पहाड़ पर सियासी तपिश अब तेज हो चुकी है। अमित शाह ने आज सिरमौर में हाटी समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आग लगाने का काम करती है। कांग्रेस पर शाह का पहाड़ प्रहार, हिमाचल प्रदेश में शाह की हुंकार।
चंद दिनों के बाद हिमाचल का रण शुरू होने वाला। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहाड़ में शाह की दहाड़ से विपक्ष हिल गया। सिरमौर की रैली में अमित शाह का सीधा हमला कांग्रेस पर था। कांग्रेस का काम झगड़ा लगाना है, कांग्रेस आग लगाने का काम करती है, मोदी जी विकास करने का काम करते हैं। मित्रों, ये अंतर। सिरमौर के लोगों से मुखातिब अमित शाह ने पीएम मोदी का संदेश दिया। हिमाचल से पीएम का गहरा रिश्ता रहा है। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने काफी वक्त हिमाचल में गुजारा है, इसलिए वो यहाँ के लोगों की तकलीफों को समझते हैं। मोदी जी आपकी तकलीफ समझते हैं, वो हमेशा कहते हैं हिमाचल मेरा, और बड़े भाव से बड़े गर्व से कहते हैं हिमाचल मेरा है, क्योंकि हिमाचल वासियों से उनको लगाव। अमित शाह ने इस दौरान एक नया नारा दिया, कहा कि हिमाचल में इस बार नया रिवाज चलेगा, एक बार भाजपा बार बार भाजपा। आप इस पहाड़ी की दीवार पर लिख लीजिए, अब एक नया रिवाज बनने जा रहा है, एक बार भाजपा बार बार भाजपा। जरा जोर से बोलिए, क्या बनने जा रहा है? बार बार। 12 नवंबर को हिमाचल में मतदान होगा, 8 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, सियासी हमलों का सिलसिला और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब सवाल यह है कि क्या इतने सालों तक नीतीश कुमार एक बहरूपिये से गले मिल रहे थे क्या? क्या इतने वर्षों में नीतीश ढोंगे को पहचान नहीं पाए? जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के बयान के बाद से ये सवाल इस वक्त उठने लगे हैं। ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसी टिप्पणी की है जिसके बाद नीतीश की सियासी समझ पर संदेह खड़ा होता है। देखिए, चाय उन्हें बेचता है, चाय बनाने तो आता ही नहीं है, तो चाय बेचेगा? पीएम की जाति पर जेडीयू की जंग, ढोंगे के साथ गठबंधन में रहे नीतीश सियासी शिष्टाचार भूल गए ललन सिंह। नीतीश कुमार लंबे समय तक पीएम मोदी के साथ गठबंधन में रहे, अब उनकी सियासी समझ पर उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सवाल उठा दिए। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी को ढोंगी कहा है, बहरूपिया कहा है। वही पीएम मोदी जिनकी कभी नीतीश तारीफ किया करते थे। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। इतना डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल कहाँ से? 1978 में अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, और पहला फैसला किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में दिए। ललन सिंह के इस बयान पर बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। पार्टी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ललन सिंह के इस बयान के जवाब में एक ट्वीट किया और लिखा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के लिए डुप्लीकेट पिछड़ा जैसे ओछे शब्द बोलकर जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने अति पिछड़ों का अपमान किया है। ये बयान पार्टी की पिछड़ा विरोधी सामंती मानसिकता का प्रमाण है। पीएम मोदी की जाति पर जदयू प्रमुख की टिप्पणी से जलन द्वेष की जो राजनीति की जा रही है, उसका परिणाम महागठबंधन को 2024 में जीरो पर आउट होकर भुगतना पड़ेगा। बीजेपी ने तो ललन सिंह को चुनौती दे डाली और कहा कि दम है तो लोकसभा से इस्तीफा दे और चुनाव मैदान में आए। जेडीयू को पता है कि अगर नीतीश को राष्ट्रीय पहचान दिलानी है तो हमले सीधे पीएम मोदी पर करने होंगे, लिहाजा ललन सिंह का बयान उसी का हिस्सा भर मालूम पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हिंदुस्तान पर जारी है मेरा राज्य मेरा देश। अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए, आतंकियों ने एक बार फिर से टारगेट किलिंग की है। कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस की माने तो इस हत्या की जिम्मेदारी KFF नाम के एक आतंकवादी संगठन ने ली है। तो वहीं इस टारगेट किलिंग के विरोध में कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतर आए हैं। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
कश्मीर घाटी में फिर टारगेट किलिंग। कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या। आतंकी हमले के खिलाफ आक्रोश। कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की है। शोपियां में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया तो लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। टारगेट किलिंग के खिलाफ कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतर आए। घाटी में सुरक्षा बल ऑपरेशन आउट के तहत लगातार आतंकियों का सफाया कर रहे हैं, आतंकियों को जहन्नुम भेज रहे हैं। तो बौखलाहट में एक बार फिर आतंकियों ने शोपिया में पूरन कृष्ण भट्ट नाम के एक कश्मीरी पंडित पर हमला बोलते हुए गोली मारकर जख्मी कर दिया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आतंकियों ने पूरन कृष्ण भट्ट को उस वक्त घात लगाकर गोली मारी जब वो चौधरी गुंड में बाग की तरफ जा रहे थे। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। कश्मीरी पंडित को पूरन जी को मारा गया है और उनकी मृत्यु हो गई है। हम लोग काम कर रहे हैं और इस पर आपको पता ही है कि TFF ने इसको क्लेम किया है। KFF ने इस पर कश्मीर फ्रीडम फाइटर करके उनका एक प्रॉक्सी नेम उसने क्लेम किया है। लेकिन हमारी ओर से अब हमारी ओर से अभी अभी कुछ भी श्योर हम लोग अपनी ओर से नहीं बोलेंगे। आतंकी हमले में पूरन कृष्ण की हत्या के विरोध में शोपियां से लेकर जम्मू तक कश्मीरी पंडितों का आक्रोश फूट पड़ा। पूरन कृष्ण के शव को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का सिलसिला तेज हो गया है। आए दिन आतंकवादियों के टारगेट किलिंग के निशाने पर आने से कश्मीरी पंडितों के सब्र का बांध टूट रहा है। आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस और सुरक्षा बलों के एक संयुक्त टीम ने बांदीपोरा इलाके में करीब 16 किलो IED बरामद किया है और जिसे मौके पर पहुंची बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम ने नष्ट भी कर दिया। रिपोर्ट। घाटी में जोरदार धमाका, आतंकी साजिश नाकाम। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों ने IED ब्लास्ट कर बड़े हमले की साजिश रची थी, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बलों ने आतंकियों की इस साजिश को नाकाम कर दिया। दरअसल बांदीपोरा में सुरक्षा बलों को IED छिपाकर रखे जाने की सूचना मिली, जिसके बाद फौरन पुलिस और सुरक्षा बल हरकत में आ गए और बांदीपोरा सोपोर रोड पर एहतियातन वाहनों की आवाजाही रोक दी गई, जिसके बाद पुलिस और सेना के एक संयुक्त दल ने आस्तांगो इलाके में करीब 16 किलो IED बरामद किया, जिसे दो गैस सिलेंडर में फिट किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंची और इसे डिफ्यूज किया गया। अधिकारियों के मुताबिक IED को सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए रखा गया था और ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए गैस सिलेंडर से जोड़ा गया था। इससे पहले कठुआ से गिरफ्तार जैश मोहम्मद के आतंकी के खुलासे पर 8 अक्टूबर को IED और स्टिकी बम बरामद किया गया था। कब्र में मुर्दे दफन होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने कब्र से शराब निकलते हुए देखा है? बिहार के बेगूसराय की एक खबर आपको हैरान कर देगी, दिखाते हैं आपको। कब्र में शराब, अब भूत मचाएंगे बवाल। बिहार में बैन तो कब्र में कर दिया प्रबंध। हाय रे शराब, इंसानों को स्वप्न लोक की सैर कराने वाली मदिरा के क्या दिन आ गए, आज कब्र की पनाह में है। जिस हर दिल अजीज को ड्राइंग रूम की टेबल की शान और जान समझा जाता है, वो कब्रिस्तान में मुर्दों की तरह चिर निद्रा में सोई पड़ी है। तस्वीरें बिहार के बेगूसराय की हैं। आप समझ गए होंगे कि माजरा क्या है, शराब तस्करों ने क्या खूब तरीका ढूंढा। वर्दी वालों की नजर ना लगे, इसलिए शराब से भरी बोतलों को कब्रिस्तान में ही दफन कर दिया। तस्करों की किस्मत ही खराब थी,
इससे पहले कि कब्रिस्तान के भूतों की शराब पार्टी शुरू होती, ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई। इसके बाद तो ग्रामीण कब्रिस्तान में कुदाल फावड़े लेकर पहुंच गए। आखिर वही हुआ जिसका डर था। कब्र में सोई पड़ी शराब की बोतलें निकलनी शुरू हुई तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। से आप देख रहे हैं पवित्र पवित्र जगह है और यहाँ पे आदमी को अच्छा से पाक साफ से इसमें दफनाया जाता है। और चलिए अब आपको ठाणे की एक बहादुर बेटी से हम मिलवाते हैं। छेड़छाड़ कर रहे ऑटो रिक्शा वाले को इस छात्रा ने ऐसा सबक सिखाया जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। बीच सड़क ऑटो वाले का छेड़खानी कांड, सीसीटीवी में कैद कॉलेज गर्ल की लाइफ बहादुरी। महाराष्ट्र के ठाणे का ये वीडियो है। एक ऑटो वाला दिन दहाड़े कॉलेज की एक छात्रा के साथ छेड़खानी करता दिखा। छात्रा ने हिम्मत दिखाई और ऑटो वाले से भिड़ गई। कुछ देर तक आरोपी खुद को छात्रा के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करता दिखा। छात्रा की हिम्मत के आगे पस्त हो चुके ऑटो ड्राइवर ने अपना ऑटो आगे बढ़ा दिया। इसके बावजूद छात्रा उसे छोड़ने को राजी नहीं थी। करीब 500 मीटर तक छात्रा ऑटो से लटके हुए सड़क पर दौड़ती रही और आखिरकार जमीन पर गिर पड़ी। स्टेशन रोड माटे एंड सन शॉप के बाजू में एक जीना था। वो जीना में रिक्शा चालक था। ऋषभ चालक ने मेरे साथ अश्लील शब्द और शुक शुक करके आवाज देने की कोशिश की, कुछ हाथ खींचने लगा। फिर उसके बाद में उसकी रिक्शा थी माटे एंड सन के सामने। उसने रिक्शा को चाबी लगाई, रिक्शा चालू किया। उसके बाद में चालू करने के बाद वो मेरे को पकड़ पकड़ के घसड़ते हुए लेके गया। जैसा कि आपने देखा, ऑटो ड्राइवर के करतूत का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो चुका था। अब जिम्मेदारी पुलिस की थी। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, मुखबिरों को लगाया गया और आखिरकार आरोपी को मुंबई के दीघा से 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इधर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भारी बवाल मच गया। एम्बुलेंस से कुचलकर मां बेटे की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। पुलिस और पब्लिक के बीच संग्राम छिड़ गया। नाराज लोग सब कुछ तबाह कर देने पर आमदा नजर आए। हाईवे पर हर तरफ आग ही आग और बवाल ही बवाल। हावड़ा में हाईवे पर महासंग्राम छिड़ा है। नाराज लोगों ने एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया। मां बेटी की मौत पर भारी बवाल और महासंग्राम। लोगों का गुस्सा ऐसे मानो कुछ सब कुछ तहस नहस कर देना चाहते हो। हावड़ा के उलुबेरिया में एम्बुलेंस से कुचलकर 40 साल की अपर्णा और 10 साल की उनकी बेटी टीशू की मौत हो गई और जिसके बाद लोगों ने नेशनल हाईवे 16 पर हंगामा शुरू कर दिया। लोगों के गुस्से को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस फोर्स को बुलाई गई, लेकिन भीड़ के आगे पुलिस भी लाचार नजर आई। दमकल कर्मी जब भी एम्बुलेंस में लगी आग को बुझाने जाते तो लोगों ने फायर फाइटर्स का रास्ता रोक दिया। हादसे के बाद एम्बुलेंस का ड्राइवर फरार हो गया। लोगों का गुस्सा ऐसा कि अगर भीड़ के हत्थे वो चढ़ जाता तो उसकी हत्या भी हो सकती थी। अब जरा सोचिए, अगर आपको पेट्रोल का दरिया बहता हुआ दिख जाए तो आप क्या करेंगे? जाहिर है पेट्रोल लूटने के लिए आप भी डिब्बे लेकर दौड़ जरूर पड़ेंगे। ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां बहते पेट्रोल में हर कोई हाथ मार लेना चाहता था। अगर आप सोच रहे हैं कि यहां नहर से पानी भरा जा रहा है तो आप गलत हैं। यूपी के अलीगढ़ से आई ये तस्वीरें दिखने में भले ही सामान्य लग रही हो मगर ये खास है। मौके पर जुटी ये भीड़ पेट्रोल लूट रही है। हर कोई ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल लूट लेना चाहता था, जिसे जो मिला बोतल, बर्तन, बाल्टी, गैलन लेकर दौड़ पड़ा। इससे पहले कि पेट्रोल खत्म हो जाए जितना हो सके लूट लो। अब समझिए कि इन्हें पेट्रोल का जैकपॉट कैसे हाथ लग गया। दरअसल पेट्रोल से भरा एक टैंकर पलट गया था, जिसके बाद उसमें भरा पेट्रोल गड्ढे में गिर गया और लोगों की भीड़ गड्ढे की तरफ दौड़ पड़ी।
रात को 6:30 बजे करीब ये ट्रक पलटा था डीजल पेट्रोल का जी, पलटने के बाद उल्टा हो गया, पेट्रोल फैल गया। अब गांव के लोग आए थे, पेट्रोल भर रहे थे और व्यवस्था भंग है, तीली दिखा दी तो आग लगेगी, सैकड़ों लोग मर जाते। काफी देर तक भीड़ पेट्रोल पर हाथ साफ करती रही, लेकिन मौके पर प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा, न ही पुलिस मौजूद रही। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।